Yes again. रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की फजल करम और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। मैं यहाँ खिड़की से बाहर झांक रहा हूँ, फिलहाल इसलिए झांक रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ, तो इसलिए झांक रहा हूँ कि यहाँ पर स्नो है, यहाँ पर भी और इस तरफ भी स्नो है। तो मौसम, रात को बारिश भी हुई है, मौसम काफ़ी ठंडा हो गया, बहुत ठंडा हो गया मौसम। और अभी समझ नहीं आ रही कि हम झील सैफे में लोग जाएं कि ना जाएं, क्योंकि वो इस तरफ जिस तरफ झील सैफे लोग है, स्नो अभी स्टार्ट है, बिल्कुल स्टार्ट है, आप देख सकते हैं फुल स्टार्ट हुई पड़ी है। अभी निकलना था हमने झील सैफे में लोग के लिए, बल्कि निकलेंगे, मगर स्नो यहाँ पर स्टार्ट हो गया, धुंध है और बारिश भी हल्की हल्की स्टार्ट हो गई है। और अभी देखते हैं आगे का क्या सीन होता है। और फाइनली स्नो मिल गई हमें, फाइनली स्नो मिल गई है जिस पे हम आए थे, स्नो फाइनली मिल गई। हाँ भी रजा, मजे क्या सीन है, मजे के सीन है। असीफ भाई क्या सीन है, भाईजान क्या बात है, मजे ही मजे। अबाक भाई क्या सीन है, ठंड है। अवैस पैसे पूरे हो गए, फुल मजे। ये बाजार है सारा झील सैफुल मुल्क का। इस तरफ है स्नो, स्नो 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 स्नो। इधर स्नो जरूर है मगर ठंड नहीं है। बाबू सर टॉप पे ठंड थी, स्नो नहीं थी।
ये झील है और इस पुल के नीचे से होके इसका पानी इस तरफ से निकलता है और ये आगे नीचे मतलब सारी इस तरफ से ढलान है तो ये एंड तक नीचे ही जाएगा और ये पानी इतना ठंडा है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये वाला सीन भी है यहाँ पे, हम करेंगे मगर कुछ देखने के बाद करेंगे। भाई कैसा फील होता है इसके बाद? बहुत अच्छा फील है। अच्छे वाला फील होता है, एंजॉय कर रहे हैं भाई। बस ठीक है, बस नो रुक 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 के स्टार्ट हो रही है, रुक रुक के मगर आज रुक रही है। ये भाई डेस्टिनेशन ट्रैवल टूर्स पे हूँ, मेरा ये 47वां टूर है और पहली दफा ऐसा हुआ कि हम फर्स्ट टाइम आए और हमें ये बर्फबारी देखने को मिल रही है। चला गया उधर, रजा भी इधर खड़े, अवैस अवैस आ रहा है सबसे पहले। आ टांगे ऊपर उठा के आना, टांगे ऊपर रख, अवैस आ रहा है। भाई हट जाओ, भाई हट जाओ, हाथ उठा वहां से। अवैस अवैस इधर देख कैसा कैसा फील हो रहा है, अवैस कैसा फील हो रहा है, बड़ा मजा। एक बार फिर हाड़ वाली जो है ना वो अभी स्टार्ट हो गई हुई है और यहाँ पर तो सीन कुछ ऐसे ही है। अगेन यहाँ पर आए और आपने ये नहीं किया। का सूरज बाहर निकले और व्यू इतना प्यारा बन गया हुआ है कि बयान नहीं हो सकता। यहाँ पर ये इन्होंने पूरा बनाया हुआ है, चेहरे बनाई हुई है, यहाँ पर बैठ के आप पिक्चरें ले सकते हैं। मगर एक बात याद रखें, ये पेड है, ये भी और ये स्लाइड भी, ये पेड है। वो पैसे लेते हैं यहाँ पर पिक्चरें बनाने के भी और यहाँ पर स्लाइड करने के भी। अभी हम यहाँ से वापस जा रहे हैं क्योंकि स्नो अभी रुक चुकी है तो यहाँ पर अभी रुकने का हमारा वो मकसद नहीं है। तकरीबन 12 हो गए हैं और अभी हम यहाँ से नारायणगढ़ से वापस निकलने लगे हैं। यहाँ से मानसरा जाएंगे और फिर मानसरा से आगे कहाँ जाना है ये मानसरा जाके ही डिसाइड होगा कि हम मानसरा से आगे कहाँ जाएंगे। मगर अभी यहाँ से जाना है मानसरा। लेट्स गो बैक टू मानसरा। अभी हम पहुँचे हैं जी मानसरा और अभी मानसरा से हम सियालकोट जाएंगे। लाहौर जाना था, लाहौर का प्रोग्राम इसलिए कैंसिल हो गया कि मौसम ख़राब है और हम जाके जलील नहीं होना चाहते, इसलिए मानसरा से भी सियालकोट। हमें गाड़ी नहीं मिली इधर से सियालकोट, और अभी जाएंगे हम यहाँ से गुजरावाला, गुजरावाला से गाड़ी लेंगे आगे से
सियालकोट की। आजकल सुबह जब जाएंगे 4 बजे, अभी यहाँ होटल में बैठे हुए हैं, यहाँ पर खाना खाएंगे और 8 बजे यहाँ से निकले, अभी 6 हुए हैं, 2 घंटे यहीं पर स्टे करेंगे, उसके बाद जाएंगे यहाँ इंशाल्लाह। अभी रजा क्या सीन है? सीन है खाना खाया और अभी रेस्ट कर रहे हैं 8 बजे गाड़ी का। इस टाइम तो इतने आया ना, यकीन कर तू पूरी 22-23 साल पानी अवैस क्या सीन है? फर्स्ट क्लास हो, फिट फाट हो। हमारा आगे का जो ट्रिप था ना, वो कैंसिल करने का रीज़न यही सिर्फ एक हुआ है, रीज़न सिर्फ यही एक है कि मौसम ख़राब हो गया। अगर मौसम ख़राब ना होता तो हम सीधे लाहौर जाते यहाँ से। तो अभी यहाँ पर बैठे हैं, 8 बजे गाड़ी आएगी, तो अभी 1 घंटा रहता है, यहीं पे वेट करेंगे क्योंकि जगह ये रिलैक्स है। उनका वेटिंग रूम मैंने देखा है, वो रिलैक्स नहीं लग रहा था। तो आज का व्लॉग यहीं पे करते हैं ख़त्म। अपना ढेर सारा याद रखिएगा, गाँव में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।